अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़रूर से। आज हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे पीएचपी माय एसक्यूएल में। जिस तरह हमने लास्ट टाइम टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं वो देखा था, नेक्स्ट हमने उस टेबल में डेटा अगर हमने इंसर्ट करना है तो उसको हम पीएचपी के थ्रू कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो पीएचपी का स्क्रिप्ट हमने लिखा है, कनेक्शन के जो मेरे पास कोड है वो एज इट इज़ है। मैंने क्यूरी लिखी है जो मेरे पास एसक्यूएल वेरिएबल में स्टोर होगी, उसमें मैंने कहा है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। इंसर्ट जो होता है एसक्यूएल की कमांड जो है वो डेटा इंसर्ट करने के लिए, इनटू एम्प्लॉय जो हमारे पास ये इसका सिंटैक्स है, इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो है मेरे पास टेबल नेम है, और एम्प्लॉय की जो मैंने फील्ड सेलेक्ट की है वो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। उसकी मैंने वैल्यूज़ दे दी हैं, फर्स्ट नेम की अगेंस्ट मैंने नेम फर्स्ट नेम बता दिया, लास्ट नेम के अगेंस्ट उसका लास्ट नेम, और ईमेल के अगेंस्ट ईमेल मैंने बता दिया, और मैंने जो है क्यूरी यहाँ पर क्लोज कर दी है। देन दोबारा मैंने माई एस क्यू लाई क्यूरी जो फंक्शन है इसको मैंने कॉल किया कि मेरे पास जो ये क्यूरी है ये एग्जीक्यूट हो गई है या नहीं, जो डेटा जो मेरे पास है वो इंसर्ट हो गया या नहीं, ये मुझे क्यूरी ट्रू या फॉल्स में जो है रिटर्न करेगी। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन जो मेरे पास कनेक्शन का वेरिएबल क्रिएट हुआ है फाइल को कनेक्ट करने के लिए उसको मैंने कॉल किया, और जो मेरे पास एसक्यूएल क्यूरी थी जिसको मैंने एसक्यूएल वेरिएबल में स्टोर किया है पीएचपी के, उसको मैंने यहाँ पर कॉल किया। अगर तो मेरे पास इसका आंसर ट्रू आ जाता है तो फिर मेरे पास जो एको होगा मैसेज वो है न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज जो है मेरे पास एरर जो है वो जनरेट हो जाएगा और कनेक्शन जो है वो क्लोज हो जाएगा। इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो मेरे पास न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया है, इसके चेक करते हैं डेटाबेस में। तो डेटाबेस में इसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आ गया। मैंने आईडी पास नहीं थी कि आईडी मेरे पास क्योंकि प्राइमरी की, और ये खुद ही ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी जैसे जैसे डेटा इसमें ऐड करते जाएंगे। सो इस तरह हम अपने जो पीएचपी के स्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए डेटा जो है वो डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं।